हैं, जैसे कि हम इसमें एग्रीकल्चर भी करते हैं, डेयरी भी करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग भी करते हैं, इसके बाद बी कीपिंग जो एपियरी है वो भी करते हैं। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि एक ऑर्गेनिक फार्म के हो सकते हैं। तो सभी जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं फार्म के, उसका इफिशियंट यूज होना चाहिए सो दैट कि हमको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। और इसमें कुछ इस तरह के जो भी हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को, सॉइल में हम कुछ इस तरह के न्यूट्रिएंट्स अप्लाई करें जिससे कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी जो है इम्प्रूव होती रहे। ये ना कि हम कन्वेंशनल फार्मिंग की तरह इसमें कुछ कंटामिनेट करेंगे, फिर वहाँ पे ये ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं होगा। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनिक फार्म का कि आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करनी है जिससे कि लॉन्ग टर्म तक ये हमारा सस्टेन रह सके। फार्म इनकम भी साथ साथ बढ़ता रहे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक ऑर्गेनिक फार्म में। एक बैलेंस कॉम्बिनेशन जो डिफरेंट कंपोनेंट्स का है, डिफरेंट क्रॉप्स का है, उसको बना के रखना बहुत ज़रूरी है। फार्म शुड हैव कैटल सेड, कंपोस्ट यार्ड, स्टोर हाउस एंड ऑफिस। तो जो भी फार्म है उसमें कैटल सेड भी होंगे, कंपोस्टिंग के लिए कंपोस्ट यार्ड होगा, स्टोर हाउस होगा, ऑफिस होगा। अभी हम देखेंगे डिटेल में कि किस तरीके का एक लेआउट होता है। तो ये कुछ है फार्म डिजाइन। इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें स्टोर हाउस भी दिख रहा है, जो बॉर्डर के जो भी हमारा ऑर्गेनिक फार्म है उसके बॉर्डर पे कुछ बॉर्डर ट्रीज होंगे जिससे कि वो एक डिस्टिंग्विश कर सके कि नॉन ऑर्गेनिक फार्म को ऑर्गेनिक फार्म से। उसके लिए हम जो है एक बाहर में एक बफर जोन भी एक बनाएंगे डिफरेंट क्रॉप्स का, और साथ में कैटल सेड भी है, कंपोस्ट यार्ड है। तो कुछ इस तरीके का एक आइडियल ऑर्गेनिक फार्म हो सकता है। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड लेआउट ऑफ फार्म। तो एक फार्म के लिए हमें क्या क्या प्लानिंग करनी है, उसका लेआउट कैसा होना चाहिए, तो उसके बारे में देखेंगे। तो हमको जो है फार्म की रेगुलर विजिट करती रहनी होगी जिससे कि हम डिफरेंट जो भी इंटरप्राइज उस फार्म के हैं उसके बारे में हम जान सकें, उसमें जो भी समस्याएं हैं उसको हम जान सकें। उसके बाद हम जो है वी शुड प्लान डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए फार्म इन ए मैनर दैट इट शुड प्रोवाइड यूनिफॉर्म सप्लाई ऑफ क्रॉप फॉर कंज्यूम्पशन, फीड और सेल ईयर आफ्टर ईयर। तो हम विजिट करके उस इंटरप्राइज का जो भी प्रॉब्लम्स है या फिर उसकी जो भी सप्लाई मैक्सिमम पोटेंशियल है उसको हम मेंटेन करने के लिए जो हो सकेगा वो करेंगे जिससे कि हमको रेगुलर जो भी सप्लाई हो वो हमको मिलती रहे। इफ़ यूनिफॉर्म साइज ऑफ फील्ड इज़ नॉट पॉसिबल, टू और थ्री स्मॉल फील्ड शुड बी कम्बाइंड इन टू वन यूनिट फॉर पर्पस ऑफ रोटेशन। तो जनरली क्या होता है, तो फील्ड जो है अगर छोटी है तो ऐसे कंडीशन में दो तीन फील्ड को मिला के एक आइडियल साइज का एक फील्ड बना लेना चाहिए, और उसमें जो भी हमारा क्रॉप रोटेशन को फॉलो करना है उसको हमें फॉलो करना है। यू कैन ये जो फील्ड है रेक्टेंगुलर शेप का हो सकता है फॉर इजी ऑपरेशन। उसके सम ऑफ द फील्ड्स विथ इरेगुलर शेप शुड बी अलॉटेड फॉर पास्चर्स एंड एग्रो फॉरेस्ट्री। तो जो फील्ड किसी शेप का ना हो, इरेगुलर हो, तो ऐसे फील्ड को हम पास्चर या एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए अलॉट कर सकते हैं। इसके अलावा फार्म फेंस इज नेसेसरी टू केयर फॉर लाइव स्टॉक एंड चेक इंट्रूडर्स। तो बाहर में एक फेंसिंग फार्म के बाहर होनी चाहिए जिससे कि बाहर का कोई इंट्रूजन इसमें ना हो सके। द कैटल सेड, कंपोस्ट यार्ड, स्टोर हाउस एंड ऑफिस में बी लोकेटेड एट ए हायर एलिवेशन देन द क्रॉप एरिया। तो जो ऑफिस है, कैटल सेड है, कंपोस्ट यार्ड है, स्टोर हाउस है, ये थोड़ा सा हायर एलिवेशन पे होना चाहिए इन कंपैरिजन टू जो हमारा कैटल सेड, जो भी हमारा क्रॉपिंग एरिया है उससे हायर एलिवेशन पे होना चाहिए। इससे क्या होता है, तो इन केस ऑफ अगर रेनिंग के दौरान अगर वाटर का लॉगिंग होता है तो ऐसे कंडीशन में हमारे स्टोर हाउस, ऑफिस, कैटल सेड इन सब में वाटर लॉगिंग नहीं होगा। नेक्स्ट है फार्म कंपोनेंट्स इन डिफरेंट एग्रो इकोसिस्टम। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जैसे कि लो लैंड एरिया में हम
एकोमोडेट कर सकते हैं क्रॉप्स को, जो भी लो लैंड के जो क्रॉप्स हैं, जैसे राइस है हमारा, उसको हम एकोमोडेट कर सकते हैं। पिगरी को, पिगरी वहाँ पे हम कर सकते हैं, डक एंड फिशरी कर सकते हैं। लेकिन कोई अगर एरिया इरिगेटेड अपलैंड है तो वहाँ पे हम क्रॉप्स के साथ डेयरी, बायोगैस प्लांट, स्पॉन एंड मशरूम प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। सिल्क वर्म रियरिंग भी हम वहाँ पे अपलैंड्स पे कर सकते हैं। मलबेरी कल्टिवेशन, एक सिल्क वर्म का एक इंटीग्रेटेड होना चाहिए, जिस सो दैट कि हम सिल्क वर्म के लिए मलबेरी का जो लीव्स है वो हम अवेलेबल कर सके, तो वो भी हम इरिगेटेड अपलैंड्स पे कर सकते हैं। और एपियरी भी अपलैंड्स पे किया जा सकता है। कवर क्रॉप्स जो है, जो भी फॉलो पीरियड है उसके दौरान जो भी हमारा बैरन लैंड्स है उसके ऊपर कवर क्रॉप्स होना चाहिए। तो ये कवर क्रॉप्स के होने से सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है और जो भी वीड का ग्रोथ है होता है वो कम हो जाता है, और ये सॉइल इरोजन को डिक्रीज करने में हेल्प करता है। तो जो डिफरेंट स्पीसीज हैं, जैसे डोलीचस लबलब, क्रोटोनोडिया, कैनोवोलिया, विग्ना, ये सभी डिफरेंट जो भी हमारे वेजिटेशन है इसको हम यूज कर सकते हैं एज कवर क्रॉप्स। एक टर्म और आता है एग्रोफॉरेस्ट्री। तो एग्रोफॉरेस्ट्री में हम जनरली एग्रीकल्चर के साथ साथ जो भी इसमें हम फॉरेस्ट्री को साथ साथ उसको प्रैक्टिस करते हैं। सो एग्रोफॉरेस्ट्री इज अ कलेक्टिव नेम फॉर लैंड यूज सिस्टम एंड प्रैक्टिस इन विच वुडी पेरिनियल्स आर डिलीवरेटली इंटीग्रेटेड विथ क्रॉप्स और एनिमल्स ऑन द सेम लैंड मैनेजमेंट यूनिट। तो यहाँ पे हम एग्रीकल्चर के साथ जो डेयरी कर रहे हैं, लाइव स्टॉक फार्मिंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम जो डिफरेंट पेरिनियल वुडी ट्रीज हैं उसको भी फील्ड में लगा सकते हैं, और इस सिस्टम को बोलते हैं एग्रोफॉरेस्ट्री। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स की, क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो फील्ड क्रॉप्स हम लगा सकते हैं, या तो ये सीरियल्स हो सकते हैं, या मिलिट्स हो सकते हैं, पल्स भी लगा सकते हैं, ऑयल सीड, स्पाइसेस, जो भी जनरल हमारे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं हम उनको ले सकते हैं। जो भी ट्रीज है एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम में, तो बॉर्डर ट्रीज में हम ले सकते हैं नीम, पोंगेमिया, मदार, इन सब के पेड़ को हम एज बॉर्डर ट्री हम उसको लगा सकते हैं। इसका यूज होता है कि जो विंड ब्रेक्स के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, जो विंड की स्पीड है उसको डिक्रीज करने में, फार्म के अंदर में इससे फार्म की जो भी विंड की स्पीड है वो कम हो जाती है। और एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम जो है 3 तरीके हो सकते हैं, सिल्वी पास्चोरल, एग्री सिल्वी हॉर्टिकल्चर, या सिल्वी पास्चोरल हॉर्टिकल्चर। सिल्वी पास्चोरल वाले एग्रीफॉरेस्ट्री सिस्टम में हम ट्रीज और ग्रास का कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं, लेकिन एग्री सिल्वी हॉर्टिकल्चरल वाले कॉम्बिनेशन में हम एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के साथ ट्री और किसी फ्रूट ट्री का हम लोग साथ साथ इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं। सिल्वी पास्टोरल हॉर्टिकल्चर एग्रोफॉरेस्ट्री में हम लोग ट्रीज के साथ ग्रास या कोई भी फॉडर क्रॉप और कोई एक फ्रूट ट्री हम साथ में उसको जो है कल्टीवेट करते हैं। ये एक पॉपुलर मेथड है, धावोलकर मेथड ऑफ फर्टिलिटी इन्हांसमेंट। इसको आजकल हम लोग नेचुरल फार्मिंग में भी यूज करते हैं। तो ये महाराष्ट्र के एक फार्मर थे धाबलकर, उन्हीं के नाम पे इस मेथड को बोला जाता है धाबलकर मेथड। तो इसमें क्या क्या किया था इन्होंने, तो सबसे पहले एक फील्ड जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको सेलेक्ट किया था, उसमें इनफ वाटर, इरिगेशन, जो भी फील्ड में जो भी प्रैक्टिसेज होती है वाटर उसमें इरिगेट किया था। उसके बाद उसमें FYM, पोल्ट्री मैन्योर एंड वर्मी कंपोस्ट अप्लाई किया था बिफोर प्लॉइंग। उसके बाद प्लॉइंग करने के बाद उसमें अपने हिसाब का एक कोई भी क्रॉप उन्होंने चूज किया था। तो इस जिसमें से ग्रेन्स के क्रॉप हो सकते हैं, या फिर जो सोरगम, मिलेट्स, फिंगर मिलेट, या पल्सेज हो सकते हैं, ऑयल सीड हो सकते हैं। तो इन्होंने अपने पसंद के 5 जो है ग्रुप्स ऑफ क्रॉप जो है सेलेक्ट किए। इसके बाद इसके लिए इन्होंने सीड जो है करीब 20 से 25 KG सीड जो है पर एकर इन्होंने सोइंग किया, जो भी उस समय जो भी उस क्रॉप का रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से सोइंग हुआ। अभी हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से हम किस क्रॉप की कितनी सोइंग रेट है या फिर उसका स्पेसिंग कितना है, ये सब अभी हम देखेंगे। तो आफ्टर 30 to 35 days अप्लाई मैन्योर एंड बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म। इसके बाद जब सीड सोइंग अप्लाई सोइंग के बाद जो है इन्होंने मैन्योर अप्लाई किया था 30 से 35 दिन के बाद, और
दिस कैन बी आइदर बी इन लिक्विड फॉर्म थ्रू इरिगेशन और सॉलिड मिक्सचर। तो ये जो भी मैन्योर या बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म है, ये या तो सॉलिड फॉर्म में हो सकता है या फिर लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। और आफ्टर 50 to 60 days ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ दीज प्लांट्स, दे आर कट एंड प्लाउड इन द सॉइल इन सीटू। तो ये इस तरीके का कुछ क्रॉप्स लगाया जाता है। इसमें एक तरह से ये ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स इन्होंने मेन क्रॉप से पहले लिया। ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स होते हैं जिसमें कि ये जनरली लेग्यूमिनस क्रॉप होते हैं जो कि हम ग्रो करते हैं, और बिफोर फ्लावरिंग स्टेज आने से पहले हम उसी फील्ड में उसको गिरा के उसमें उसको हम प्लाइंग कर देते हैं। तो ये इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग का एक इन्होंने इन्होंने यूज़ किया था दिस धवलकर मेथड में। नेक्स्ट है लैंड प्रिपरेशन। तो लैंड प्रिपरेशन में हम जो कन्वेंशनल फार्मिंग हम करते हैं वहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा टीलेज करते हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमें कोशिश करनी है कि कम थोड़ा सा टीलेज किया जाए। तो जो भी लैंड प्रिपरेशन के लिए जो भी प्राइमरी टीलेज की ज़रूरत है बस उतना ही किया जाए, और इसके लिए प्लाव, हैरोज, रोटावेटर, रोलर्स, प्लैंक्स, इन सब का इस्तेमाल किया जाए। और ये डिपेंड करता है कि प्राइमरी टीलेज का एक्सटेंट डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, जैसे कौन सा क्रॉप हम ग्रो करने वाले हैं। अगर हम मिलेट्स ग्रो करने वाले हैं तो उसके लिए हमें कुछ फाइन टिल्थ होना चाहिए, लेकिन मिलेट्स के लिए हमें फाइन टिल्थ की ज़रूरत नहीं है। कोर्स टिल्थ में भी मिलेट्स जो है ग्रो करता है, बट टोबैको, चिली अगर हम या कोई और वेजिटेबल क्रॉप्स लगाते हैं तो वहाँ पर हमें फाइन टिल्थ चाहिए। तो वहाँ पर थोड़ा सा प्राइमरी टीलेज जो है ज़्यादा करना पड़ेगा। फिर अगर सॉयल जिस किस टाइप का है वो भी डिपेंड करता है कि प्राइमरी टिलेज का एक्सटेंट किस लेवल का होगा। तो अगर जो क्लेई सॉयल होगा तो फिर वहाँ पे टिलेज ऑपरेशन ज़्यादा करना पड़ेगा इन कंपेरिजन टू अगर सैंडी सॉयल है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, किस तरीके का हम फार्मिंग यूज़ करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से भी टिलेज का एक्सटेंट होता है। अभी आगे टिलेज में किस तरीके का फार्मिंग, मतलब अगर हम नेचुरल फार्मिंग की ओर जाएंगे तो वहाँ पे हमको मिनिमम टिलेज करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टिलेज हमें वहाँ नहीं करना होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ टिलेज। ये टाइप्स ऑफ टिलेज हैं जिसको कि हम लोग डिफरेंट फार्मिंग में यूज़ करते हैं। फर्स्ट है कन्वेंशनल टिलेज, सेकेंड है मिनिमम टिलेज, थर्ड है नो टिलेज, और फोर्थ है कंजर्वेशन टिलेज। तो कन्वेंशनल टिलेज जो कि हम लोग नॉर्मली प्रैक्टिस करते हैं, तो इसमें हम लोग प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन भी करते हैं। और इन द सिस्टम ऑफ टिलेज द फील्ड इज प्लाउड मेनी टाइम्स यूजिंग मशीन्स और ब्लॉक्स। तो इस टाइप के टिलेज में हम फील्ड को कई बार उसकी प्लाउइंग की जाती है जब तक कि हमें फाइन टिल्थ नहीं मिल जाता है। और कंटिन्यूअस यूज ऑफ हेवी प्लाउज काउजेज डेवलपमेंट ऑफ हार्ड पैन इन द सब सॉइल। और इस तरह के कन्वेंशनल टिलेज का एक ड्रॉबैक है कि हम हेवी प्लाउ जो इस्तेमाल करते हैं उसके कारण से सब सॉइल रीजन में हार्ड पैन का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये हार्ड पैन जो है इनफिल्ट्रेशन को कम कर देता है। मतलब सॉइल का जो डाउनवर्ड मूवमेंट है वाटर का, वो स्पीड जो है स्लो हो जाती है ड्यू टू दिस हार्ड पैन फॉर्मेशन। द सॉइल बिकम्स मोर ससेप्टेबल टू रन ऑफ एंड इरोजन। तो जब अगर इनफिल्ट्रेशन अगर कम होगा तो फिर रन ऑफ ज़्यादा होगा, और वो रन ऑफ होने के कारण से सॉइल का इरोजन ज़्यादा होगा। तो कन्वेंशनल टिलेज इन सारे ड्रॉबैक्स के साथ एक और ड्रॉबैक है कि ये इसमें एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम होता है। इसके लिए जो भी मैकेनरी, जो भी हम मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ टिलेज ऑपरेशन इज मिनिमम टिलेज। सो इस टाइप मिनिमम टिलेज में हम जो है नंबर ऑफ टिलेज ऑपरेशन जो है कंसिडरेबली कम देते हैं इन कंपेरिजन टू कन्वेंशनल टिलेज। इसके कुछ एडवांटेज हैं। पहला एडवांटेज है कि इससे कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है और फील्ड प्रिपरेशन का टाइम जो है वो कम हो जाता है। उसके बाद सॉयल जो है लेस कॉम्पैक्ट होता है, तो हार्ड पैन फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मशीन्स जो है या फिर ज़्यादा जो भी पडलिंग जो प्लॉइंग ऑपरेशंस है उसके लिए जो मशीन्स कम लगते हैं, तो यहाँ पे कॉम्पैक्शन भी कम होगा। नो डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉयल स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम किसी भी तरीके का सॉइल के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रक्ट नहीं करते हैं क्योंकि टिलेज हम कम कर रहे हैं इन कंपेरिजन टू कन्वेंशनल टिलेज। मिनिमल वाटर लॉस थ्रू रन ऑफ एंड इरोजन। तो वाटर लॉस जो है वो कम से कम होगा रन ऑफ और इरोजन के कारण, क्योंकि यहाँ पे
जो है इन्फिल्ट्रेशन जो है वो होता रहेगा, तो रन ऑफ कम होगा, इंक्रीज्ड वाटर स्टोरेज इन प्लाव लेयर। तो इसके कारण से मिनिमम टिलेज में के कारण क्या होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो हमारे सॉइल में एक्यूमुलेट हो जाएगा इन कंपेरिजन टू कन्वेंशनल टिलेज, की वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है लॉस हो जाता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ रन ऑफ या फिर इवेपोट्रांसपिरेशन के कारण से वहाँ पे लॉस हो जाएगा। नोट या जीरो टिलेज में एक अनदर टाइप ऑफ टिलेज ऑपरेशन है, इसमें हम लोग जो सक्सीडिंग क्रॉप है उसको हम लोग शो कर देते हैं, जो भी पहले से जो क्रॉप लगा है उसमें ही, विदाउट एनी फील्ड प्रिपरेशन। मतलब जो पहले से क्रॉप लगा है उसी के लास्ट में हम एक अपना अपकमिंग जो क्रॉप्स है उसको हम उसमें सोइंग कर देते हैं, उसमें किसी भी तरीके का हम फील्ड प्रिपरेशन नहीं करते हैं। तो इसके कारण से यह होता है कि सॉइल में हमने जीरो कोई भी टिलेज ऑपरेशन नहीं किया है, तो इस कारण से वहाँ का जो है सॉइल स्ट्रक्चर जो है उसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया है, तो वहाँ पे जो है किसी भी तरीके का लेबर या फिर पावर कंजम्पशन जो होता है टिलेज ऑपरेशन में वो नहीं के बराबर होगा, सॉइल इरोजन इसके कारण से रुक जाएगा। और दिस नो टिलेज इज वेरी इफेक्टिव इन कल्टिवेटिंग सॉइल ऑन स्लोप्स दैट आर अदरवाइज प्रोन टू इरोजन। तो जहाँ पे भी स्लोपी लैंड हो वहाँ पे हम जीरो टिलेज ऑपरेशन करके इरोजन फ्री हम फार्मिंग कर सकते हैं। कंजर्वेशन टिलेज एक अनदर टाइप ऑफ टिलेज है, जिसमें कि हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं विथ मिनिमल कल्टिवेशन ऑफ द सॉइल। तो मतलब जितनी ज़रूरत हो बस उतना ही हम सॉइल को वहाँ पे हम टिलेज करते हैं। तो इसमें जनरली जो है स्मॉल होल्स जो है वो बनाए जाते हैं, जिसमें कि बस सीड की डिबलिंग की जाए और इतना ही डिस्टर्ब किया जाता है इस कंजर्वेशन टिलेज में। व्हेन द अमाउंट ऑफ टिलेज इज रिड्यूस द स्टबल और प्लांट रेसिड्यूज आर नॉट कम्प्लीटली इनकॉर्पोरेटेड एंड मोस्ट ऑफ देम रिमेन ऑन द टॉप ऑफ द सॉइल। तो इस तरीके की कंजर्वेशन टिलेज में क्या होता है कि हम जो भी हमारा प्लांट का रेसिड्यू है प्रीवियस क्रॉप का वो रहेगा ही, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और उसी के आसपास में जहाँ भी जगह होगी वहाँ पे हम एक स्मॉल होल बना के जो भी हमारा नेक्स्ट सीजन का क्रॉप होगा उसको हम वहाँ पे सो करेंगे। तो इसके कारण से क्या हुआ कि यहाँ भी हम सॉइल स्ट्रक्चर को कम से कम डिस्टर्ब करेंगे। द न्यू क्रॉप इज प्लांटेड इन टू दिस स्टबल और स्मॉल स्ट्रिप्स। तो यही जो भी स्टबल और जो भी प्लांट रेसिड्यू है उन्हीं के बीच में हम सोइंग करेंगे फॉर अपकमिंग क्रॉप। वीड्स आर कंट्रोल्ड विथ कवर क्रॉप्स रादर देन बाई कल्टिवेशन। तो यहाँ पे कवर क्रॉप्स का यूज किया जाता है फॉर वीड कंट्रोल। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक कंजर्वेशन टिलेज आर, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जैसे कि प्रेजेंस ऑफ क्रॉप रेसिड्यू मल्च। तो जो क्रॉप का रेसिड्यू सॉइल के सरफेस पे रहेगा वो क्या करेगा, तो वो मल्चिंग का फीचर प्रोवाइड करेगा। मल्चिंग से क्या होता है, तो सॉइल का सरफेस से जो भी मॉइस्चर का लॉस है उसको नहीं होने देगा वो। इफेक्टिव कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर, तो कोई अगर स्टबल या फिर कोई प्लांट रेसिड्यू है और साथ में जो भी वीड्स हैं इनके कारण से क्या होगा, तो सॉइल जो है वो कम्प्लीटली इंटैक्ट रहेगा और वहाँ पे किसी भी तरीके का सॉइल का लॉस नहीं होगा ड्यू टू इरोजन, और वाटर का लॉस नहीं होगा ड्यू टू, क्योंकि वहाँ पे एक मल्चिंग का एक लेयर जो है वेजिटेशन के कारण बना रहेगा। इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, चूंकि यहाँ पे कंजर्वेशन टिलेज में किसी भी तरीके का जो है डिस्टरबेंस नहीं किया जाता है सॉइल के स्ट्रक्चर के साथ, तो यहाँ पे सॉइल स्ट्रक्चर जो है इम्प्रूव्ड कंडीशन में रहेगा और ऑर्गेनिक मैटर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि हम नीचे के लेयर को टिलेज के ऑपरेशन में जो हम लेके आते हैं वो नहीं लाएंगे, तो जो सब सॉइल रीजन में जो ऑर्गेनिक मैटर होगा वो भी इनरिच्ड रहेगा, और इसके अलावा सरफेस में भी ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू अदर टिलेज मेथड्स। यूनिट टू में हम लोग स्टडी करेंगे सीड्स एंड प्लांटिंग। तो सीड्स एंड प्लांटिंग में हम डिफरेंट क्रॉप्स का देखेंगे। तो पहला क्रॉप है हमारा राइस, तो राइस के लिए जो हम सोइंग करेंगे जो नर्सरी हम प्रिपेयर करेंगे तो उसमें हम जो सीड है उसको पहले ट्रीट करते हैं। तो उसको सीड ट्रीटमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो काउ डंग के साथ करें या फिर नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट के साथ करें। तो काउडंग के साथ हम करेंगे तो उसमें हमें
मिक्सचर ऑफ 1 किलोग्राम ईच ऑफ काउ डंग, काउ यूरिन एंड वाटर एंड 100 ग्राम ऑफ काउ घी फॉर 10 मिनट्स के अंदर। तो मतलब 1 kg काउ डंग, 1 किलोग्राम काउ यूरिन, वाटर 1 लीटर, और जो घी है काउ घी 100 ग्राम, उसका लेकर एक घोल बनाएंगे। उसको 10 मिनट्स में हम 10 मिनट्स के लिए उस सीड को हम लोग उसमें सोक करेंगे और फिर उसको हम लोग ड्राई करेंगे फॉर 6 to 10 आवर्स। तो इस तरीके से हम सीड ट्रीटमेंट करेंगे बाय यूजिंग काउ डंग। ये दीज आर द मेथड्स ऑफ सीड ट्रीटमेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। लेकिन हम कन्वेंशनल फार्मिंग में डिफरेंट फंगिसाइड्स का यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ वो नहीं करेंगे। हम यहाँ पे काउडंग का यूज़ करेंगे या नीम सीड का करेंगे। सेकेंड मेथड है नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट। तो इसमें हम 25 kg जो ड्राइड नीम सीड कर्नल है उसको हम वाटर में सोक करेंगे 50 लीटर्स वाटर में, और नेक्स्ट मॉर्निंग हम एक क्लॉथ में उसको क्या करेंगे, तो हम फिल्टर करेंगे और जो भी एक्सट्रैक्ट आएगा उसको जमा करेंगे। और नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, तो इसी में हम जो हमारा पैडी का सीड है उसको हम उसमें थोड़ी देर के लिए सोक करेंगे और उसके बाद जो है उसको हम लोग ड्राई करेंगे शेड में फॉर 6 आवर बिफोर सोइंग। तो ये दो तरीकों से हम राइस में जो है सीड ट्रीटमेंट करेंगे इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब बायो फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन भी हम सीड के थ्रू कर सकते हैं। तो जो बायो फर्टिलाइजर हम लोग जनरली राइस में यूज़ करते हैं वो है जिसपायरलम, एस्टोबैक्टर और फॉस्फो, जो भी फॉस्फो बैक्टीरिया है उसका यूज़ हम करते हैं। इसमें 200 ग्राम एजोस्पायरलम को जो है हम लोग 1 लीटर वाटर में लेंगे और उसको जो है हम लोग 25 kg सीड के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। तो ये एजोस्पायरलम का मेथड है। एजिटोबैक्टर के लिए सिमिलरली 2 750 ग्राम ऑफ एजिटोबैक्टर जो है 1 लीटर वाटर में मिक्स करेंगे और उसका जो स्लरी है उसको हम लोग सीड के ऊपर कोट करेंगे फॉर 1 हेक्टेयर। सिमिलरली फॉस्फो बैक्टीरिया के लिए हम लोग 1.25 किलोग्राम जो है फॉस्फो बैक्टीरिया का जो है को डिजॉल्व करेंगे 5 लीटर वाटर में और उसके उसका जो पेस्ट है उसको हम उस सीड पे अप्लाई करेंगे और फिर उसको हम लोग शेड में ड्राई करके फिर हम जो है 6 आवर तक ड्राई करेंगे, फिर नेक्स्ट जो है हम उसकी सोइंग करेंगे नर्सरी में। एक और तरीका है सीड ट्रीटमेंट का, लेकिन यहाँ सीड नहीं है, यहाँ सीडलिंग है। जब हम नर्सरी से जब हम राइस की सीडलिंग को लेके आएंगे तो बिफोर ट्रांसप्लांटिंग हम उसमें एजोस्पायरलम और एस्टोबैक्टर को अप्लाई करते हैं बाय मेथड ऑफ रूट डीपिंग मेथड। इसमें हम क्या करेंगे, तो जो भी हमारा सीडलिंग होगा उसको हम नर्सरी से लेकर आएंगे और एक पिट में एजोस्पायरलम या एस्टोबैक्टर का जो घोल है, जैसे कि एजोस्पायरलम का 150 ग्राम हम 20 लीटर वाटर में डिजोल्व करेंगे या फिर 600 ग्राम एस्टोबैक्टर का हम लोग 20 लीटर में उसको डिजोल्व करेंगे और इस घोल में हम जो हमारा सीडलिंग है उसके रूट को हम लोग 5 मिनट्स के लिए डिप करेंगे और उसके बाद फिर फर्दर हम उसकी ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। तो ये राइस का सीड ट्रीटमेंट और सीडलिंग ट्रीटमेंट मेथड्स था। अब नेक्स्ट है कि राइस की सोइंग हम कैसे करें। तो सोइंग के बहुत सारे मेथड्स हैं जिसमें ब्रॉड डायरेक्टली हम ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं जो कि डायरेक्ट सीडिंग होगा, या फिर सोइंग बिहाइंड द प्लाव और ड्रिल। हम किसी ड्रिल का इस्तेमाल करके या फिर जो प्लाव है उसके पीछे पीछे जो है सीड को हम सोइंग कर सकते हैं। और जो मोस्ट पॉपुलर मेथड है ट्रांसप्लांटिंग, उसमें हम नर्सरी से जो भी हमारा सीडलिंग है उसको लेकर आएंगे और उसकी हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। इसके अलावा एक मेथड और है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन जो है ये फर्स्ट टाइम मडागास्कर में ओरिजिनेट हुआ था ये मेथड, और इसमें 6 to 8 किलोग्राम जो है राइस सीड को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर 1 हेक्टेयर ऑफ एरिया। तो यहाँ पे इस SRI मेथड में बेनिफिट ये है कि हमारा रिसोर्स कंजर्व करने में ये काफ़ी हेल्पफुल है। इसमें हमको सीड रेट भी कम लगता है इन कंपेरिजन टू नॉर्मल जो भी हमारा कन्वेंशनल मेथड ऑफ राइस ट्रांसप्लांटिंग मेथड है उसमें। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो 6 to 8 kg जो भी सीड है पर हेक्टर के हिसाब से नर्सरी में उसको नर्सरी का साइज जो है 90 to 1 मीटर स्क्वायर, 120 मीटर स्क्वायर होगा और उसमें हम लोग उसका नर्सरी प्रिपेयर करेंगे
और सीड बेड इज प्रिपेयर्ड ऑन राइज्ड बेड इन द मेन फील्ड इटसेल्फ। तो मेन फील्ड में हम लोग क्या करेंगे, तो राइज्ड बेड प्रिपेयर करेंगे और उसमें फिर हम कंपोस्ट और ऑर्गेनिक मैन्योर जो है अप्लाई करेंगे एट द रेट ऑफ 1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। और या फिर एक अल्टरनेटिव मेथड है कि हम लोग सीडलिंग कैन ऑल्सो भी राइज्ड है, उस सीडलिंग को हम लोग नर्सरी में ना ग्रो करके हम लोग प्लास्टिक सीट पे ग्रो कर सकते हैं, और ये प्लास्टिक सीट पे ग्रो करके फिर जो है हम इसमें इसमें होता ये है कि इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि प्लास्टिक सीट पे ग्रो करने के लिए कि कंपोस्ट और टॉप सॉइल का मिक्सचर जो है 1 to 2 सेंटीमीटर थिकनेस का उस प्लास्टिक सीट के ऊपर फॉर्म बनाना होगा, और सीड को सोक करना होगा वाटर में फॉर 12 आवर्स, और उसको रखना होगा गनी बैग में फॉर जर्मिनेशन, फॉर अनदर फॉर जर्मिनेशन। और उसके बाद जो है हम लोग उसमें अप्लाई करेंगे सोडोमोनास फ्लोरेसेंस 4 ग्राम पर लीटर के हिसाब से टू प्रोटेक्ट सीडलिंग्स अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ डिजीज। द जर्मिनेटिंग सीड्स, जो जो सीड जर्मिनेट कर जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रॉडकास्ट कर देंगे जो भी हमारा मेन फील्ड है वहाँ, तो वहाँ पे एट द रेट ऑफ 200 ग्राम पर जो हमारा पर मीटर स्क्वायर एरिया के हिसाब से जो हमारा सीड है उसको हम लोग वहाँ पे ब्रॉडकास्ट करेंगे। द सीड बेड इज इरिगेटेड डेली, उसको डेली हमको इरिगेशन देना है, और 8 से 12 दिन बाद जो है हेल्दी वेजिटेशन जो हमारा एक सीडलिंग होता है वो प्रिपेयर हो जाएगा। लेकिन ट्रांसप्लांटिंग के समय हमें यहाँ ध्यान देना है कि SRI मेथड की ट्रांसप्लांटिंग में हमको केवल एक सीडलिंग का यूज़ करना है पर हिल। तो नॉर्मल जो कन्वेंशनल हमारा जो फार्मिंग है राइस का, उसमें हम लोग नॉर्मली एक से ज़्यादा सीडलिंग यूज़ करते हैं पर हिल, तो यहाँ हमें सिर्फ एक सीडलिंग यूज़ करना है पर हिल। द सीडलिंग शुड नॉट बी बीटन, किसी भी तरीके से सीडलिंग का जो है उसको हम जो बीटन मतलब जो उसको पटक 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 के जो उससे मिट्टी निकाला जाता है या फिर उसको वॉश किया जाता है, ये हमें नहीं करना है। इसके करने से क्या होगा, तो उसका रूट जो है वो डैमेज हो सकता है, तो उसको जो है बीट या फिर वास नहीं करना है, और इसकी हमें ट्रांसप्लांटिंग करनी है विथ स्पेसिंग ऑफ 25 x 25 सेंटीमीटर, या फिर उसको हम 13 x 30 या 14 x 40 सेंटीमीटर के हिसाब से उसको हम लोग सोइंग ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। अब वीट के लिए हम बात करें तो वीट जो है उसका ऑप्टिमम टाइम जो है वेरी करता है वेराइटी टू वेराइटी, और वेदर कंडीशन के हिसाब से, सॉइल टेम्परेचर के हिसाब से, इरिगेशन फैसिलिटीज के हिसाब से, और लैंड प्रिपरेशन किस तरीके का है, इस तरीके से इसका जो है सोइंग टाइम वेरी करता है। लेकिन मोस्ट ऑप्टिमम टाइम जो वीट कल्टीवेशन का है वो माना जाता है 10 से 25 नवंबर के बीच, और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि रेनफेड वीट अगर हम कहीं ग्रो कर रहे हैं तो सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर से लेकर अर्ली नवंबर तक हमको सोइंग कर लेनी होती है, लेकिन इन रेयर वेरी रेयर कंडीशन जो है हम लोग अप टू दिसंबर तक भी सोइंग देखने को मिलता है। तो लेट सोन जो वीट है वो कोशिश करना चाहिए कि शॉर्ट ड्यूरेशन का लगाना चाहिए। और सीड रेट के बात करें वीट के लिए, तो सीड रेट जो है 100 ग्राम 100 kg पर हेक्टेयर मोस्ट ऑफ द वेराइटीज़ के लिए सफिशियंट है पर हेक्टेयर में। लेकिन अगर कोई अगर सीड ज़्यादा बोल्ड है या फिर अगर हम देर से सोइंग कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे हमें सीड रेट जो है 125 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से अप्लाई करना चाहिए। और इन केस ऑफ वीट इज टू बी सोन बाय डिवलर, ए सीड रेट ऑफ 25 to 30 kg पर हेक्टेयर इज सफिशियंट। तो अगर ब्रॉडकास्टिंग हम कर रहे हैं तो हमको 100 से 125 kg के आसपास पर हेक्टेयर के हिसाब से अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर हम डिबलिंग कर रहे हैं, उसको डिबलिंग के थ्रू यूज़ कर रहे हैं सोइंग को, तो फिर यहाँ पे 25 से 30 kg जो है सीड पर हेक्टेयर के हिसाब से सफिशियंट होगा। और यहाँ पे जो हमारा वीट का स्पेसिंग होगा ये 20 से 22.5 सेंटीमीटर जो है रो के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, और 15 से 18 सेंटीमीटर जो है हमको उसमें हमको जो है 15 इसको हम 15 से 18 जो हमारा दो रो के बीच का जो डिस्टेंस है 20 से 22.5, इसको हम लोग
15 से 18 सेंटीमीटर तक भी कर सकते हैं अगर हम देर से सोइंग करते हैं तो। तो क्लोजर स्पेसिंग जो है ये लेट सोन राइस में व्हीट में देखने को मिलता है। कुछ मेथड्स हैं व्हीट के जो कि ब्रॉडकास्टिंग है जो कि मोस्ट कॉमनली हम लोग देखने को मिलता है, और उसके बाद है बिहाइंड लोकल प्लाव। तो इसमें जो ये कुछ सीड ड्रिल टाइप का होता है जिसमें कि जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है पोड़ा मेथड, तो उसमें होता ये है कि जो प्लाव होता है उसी के साथ साथ जो है एक ड्रिल टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि सीड जो है डायरेक्टली जो है आफ्टर प्लाव जो है वो ड्रॉप होता रहता है। तो इस तरीके से सोइंग करने में हमको जो है फायदा ये है कि हम वीट को 5 to 6 सेंटीमीटर के यूनिफॉर्म डेप्थ पर सोइंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग ड्रिलिंग कर सकते हैं, डिबलिंग कर सकते हैं, या फिर जीरो टीलेज टेक्निक में हम लोग डायरेक्टली जो है उसको हम लोग होल बना बना कर जो है हम लोग उसमें सीड को डायरेक्टली जो है सो कर सकते हैं। मेज नेक्स्ट सीरियल क्रॉप है। इसमें हम लोग जो प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग होगी वो 20 से 25 सेंटीमीटर होगा, और रो टू रो जो होगा वो 60 सेंटीमीटर होगा, और इसके सीड को हमको 3 से 5 सेंटीमीटर पे डेप्थ पे हमको सोइंग करना चाहिए, और सीड रेट जो होगा 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर के अप्रोक्सीमेटली होगा। और प्लांटिंग जो है इसकी हमेशा रिज एंड फरो सिस्टम पे जब हम अगर कर रहे हो हाई रेनफॉल एरिया में तो इसकी प्लांटिंग हमेशा रिज में होनी चाहिए, और अगर लो रेनफॉल एरिया है तो फिर नैरो फरो में होनी चाहिए। और नॉर्मल कंडीशन में हम लोग जो मेज की फार्मिंग करते हैं वो फ्लैट वेट सिस्टम में हम लोग करते हैं, लेकिन अगर कहीं ऐसा एरिया है जहाँ पे रेन के साथ हैवी स्ट्रॉम्स आते हैं तो ऐसे कंडीशन में फ्लैट वेड में ही कल्टीवेशन करना चाहिए मेज का, और उसमें साथ में अर्थिंग अप जो है हमको 40 to 50 days के बाद जो है करते रहना चाहिए, जिससे कि स्ट्रॉम के कारण वो जो हमारा मेज क्रॉप है वो उसका लॉजिंग ना हो पाए। तो ये एक ध्यान देने की बात है। इसके अलावा इन एरियाज विथ इरिगेशन फैसिलिटीज प्लांट्स इज टेकन अप 2 weeks बिफोर द ऑनसेट ऑफ मानसून। तो अगर कहीं हम इरिगेटेड एरिया वाली फैसिलिटीज जहाँ है वहाँ हम अगर मेज लगाते हैं तो मानसून आने से 2 वीक पहले जो है हम उसको क्रॉप करेंगे, लेकिन अगर रेनफेड सिचुएशन में ग्रो करते हैं तो सोइंग ऑफ मेज इज डन विद द ऑनसेट ऑफ रेन्स। तो जब मानसून आ जाए तो फिर हमको उसको सो करना चाहिए। सोइंग शुड बी डन थ्रू मेज प्लांटर और सीड ड्रिल तो या और मैनुअली। तो मेज की सोइंग हम लोग या तो सीड ड्रिल से कर सकते हैं या मैनुअली कर सकते हैं, या फिर मेज का जो प्लांटर आता है उसका यूज करके हम लोग कर सकते हैं। अनदर सीरियल इज सोरगम, इवन मिलिट्स, दिस इज मिलिट क्रॉप। तो इसमें हम लोग सीड रेट जो है 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से यूज करेंगे, और इसका जो स्पेसिंग होगा तो द सीड्स आर सोन इन रोज 45 सेंटीमीटर अपार्ट विथ प्लांट टू प्लांट। तो प्लांट टू प्लांट इसका जो स्पेसिंग होगा 45 सेंटीमीटर होगा, और रो टू रो जो है 12 सेंटीमीटर होगा, और डेप्थ जो होगा 3 to 4 सेंटीमीटर के डेप्थ पर इसकी हमको सोइंग करनी है। और ज्वार को जो है हम लोग उसकी सोइंग या तो ब्रॉडकास्टिंग से कर सकते हैं, या ब्रॉडकास्टिंग भी होता है इसका, और इन रोज बिहाइंड द प्लाव, प्लाव के पीछे भी हम उसको ड्रॉप करके हम इसकी सोइंग कर सकते हैं। नॉर्थ इंडिया में ज्वार की जनरली सोइंग जो है खरीफ सीजन में होती है। इन इरिगेटेड एरियाज फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई इज ऑप्टिमम। तो जहाँ इरिगेशन की फैसिलिटीज हैं वहाँ पे हम लोग जुलाई के फर्स्ट वीक में इसको हम लोग इसकी सोइंग करते हैं। अंडर अन इरिगेटेड कंडीशन तो इसको हम लोग कोशिश करना चाहिए कि प्रेफरेबली विद इन ए वीक आफ्टर ऑनसेट ऑफ फर्स्ट मानसून हम इसको सोइंग कर दें। रबी सोइंग ऑल्सो किया जाता है सोरगम का इन महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। रबी सोइंग हमेशा जो है सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ सितंबर टू मिडिल ऑफ अक्टूबर कर लेना चाहिए। समर क्रॉप की तरह ज्वार जो है कहीं कहीं क्रॉप किया जाता है, जैसे कि तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कुछ पार्ट ऑफ कर्नाटका है, तो इन दैट रीजन हमें वहाँ पे जनवरी से फरवरी के बीच जो है हमें इसकी सोइंग कर लेनी चाहिए। अनदर क्रॉप इज बाजरा और पर्ल मिलेट। तो 5 किलोग्राम सीड
ऑफ पर्ल मीट जो है सफिशेंट होता है 1 हेक्टेयर के लिए। तो इसमें जो है स्पेसिंग होता है 45 सेंटीमीटर बिटवीन रोज और 10 से 12 सेंटीमीटर बिटवीन प्लांट्स, और इसका डेप्थ 2 से 3 सेंटीमीटर डेप्थ इसकी सोइंग की जाती है। बाजरा इज जनरली सोन बिहाइंड प्लाव और ब्रॉडकास्ट, तो इसको हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं या प्लाव के पीछे पीछे हम इसको इसकी सीड को ड्रॉप करके हम इसको सो कर सकते हैं। बाजरा सीड ड्रिल भी रिकमेंडेशन कहीं कहीं किया जाता है। तो बाजरा जो है प्रीडोमिनेंटली रेनफेड क्रॉप है, तो लेकिन हम इसको जो है थ्रू आउट द ईयर भी उसको हम कहीं कहीं उसको हम ग्रो करते हैं, और इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स बाजरा इज सोन ड्यूरिंग जून जुलाई। तो जो मोस्ट कॉमनली हम लोग बाजरा को कल्टिवेट करते हैं तो उसकी सोइंग जो जून जुलाई में हम लोग करते हैं, और अगर बाजरा की सोइंग टाइम से नहीं हो पाती है तो ऐसे कंडीशन में हम वहाँ पे ट्रांसप्लांटिंग भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ट्रांसप्लांटेड क्रॉप जो है जल्दी ग्रो भी करता है और ज़्यादा टिलर और ईयर हेड प्रोड्यूस करता है। अबाउट 2 kg ऑफ सीड इज सोन इन 200 स्क्वायर मीटर नर्सरी मिक्स विथ ऑर्गेनिक मेन्योर। तो जहाँ भी हम लोग नर्सरी तैयार करते हैं इस ट्रांसप्लांटिंग के लिए, तो वहाँ पे 2 kg सीड जो है 200 मीटर स्क्वायर एरिया में ऑर्गेनिक मैन्योर के साथ जो है पर हेक्टेयर के लिए हम लोग अप्लाई करके 1 हेक्टेयर के लिए हम लोग जो सीडलिंग है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसके बाद 3 वीक के बाद जब हम उसको जब वो सीडलिंग ग्रो कर जाए तो फिर हम उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और ट्रांसप्लांटिंग के समय जो स्पेसिंग होगा बिटवीन रोज 50 सेंटीमीटर होगा और प्लांट टू प्लांट जो है 10 सेंटीमीटर का जो है हमें स्पेसिंग रो में मेंटेन करना होगा। अब कुछ पल्स क्रॉप हैं जैसे कि चिक पी है, तो चिक पी जो है इसको हमको फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर में हमको इसकी सोइंग कर लेनी चाहिए, लेकिन कहीं कहीं तराई रीजन में जो है फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर तक इसको हम लोग इसकी सोइंग करते हैं, और इसको हम लोग सीड ड्रिल का इस्तेमाल करके सोइंग कर सकते हैं या फिर बिहाइंड प्लाव के भी हम इसको सोइंग कर सकते हैं। इसमें रो स्पेसिंग 30 से 45 सेंटीमीटर होगा और सीड रेट जो है 75 से 100 kg पर हेक्टेयर इज सफिशेंट फॉर 1 हेक्टेयर एरिया। लेंटिल के लिए जो मोस्ट ऑप्टिमम टाइम है सोइंग का वो है मिड ऑफ द अक्टूबर, और इसमें रोज के बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऑप्टिमम सीड रेट जो है 30 से 40 kg पर हेक्टेयर होना चाहिए। सीड रेट शुड नॉट बी इंक्रीज टू 50 से 60 kg पर हेक्टेयर इन केस ऑफ लेट सोइंग। तो अगर लेट सोइंग कर रहे हो तो उसको 50 से 60 kg पर हेक्टेयर कर सकते हैं, बट इससे ज़्यादा हमें नहीं इंक्रीज करना चाहिए। रो स्पेसिंग शुड ऑल्सो बी रिड्यूस टू 20 से 25 सेंटीमीटर इन केस ऑफ लेट सोइंग। तो जहाँ भी लेट सोइंग हम कर रहे हो तो वहाँ पे हम इसका जो स्पेसिंग है उसको नैरो डाउन कर सकते हैं, 30 सेंटीमीटर से घटा के 20 से 25 सेंटीमीटर तक ला सकते हैं। फील्ड पी का जो मोस्ट ऑप्टिमम टाइम है सोइंग का वो है सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ द अक्टूबर। नॉर्दर्न इंडिया में हम लोग यही फॉलो करते हैं, सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर तक उसकी सोइंग हो जानी चाहिए। और इसमें जो सीड का एप्लीकेशन सीड रेट होगा वो 60 से 80 kg पर हेक्टेयर होगा, और इसमें जो स्पेसिंग होगा बिटवीन रोज 30 सेंटीमीटर होगा। अर्ली मैच्योरिंग वेराइटीज आर गिवन क्लोजर स्पेसिंग एंड हायर सीड रेट। तो जो अर्ली मैच्योरिंग वेराइटीज होगा उसमें हम लोग स्पेसिंग कम देंगे और सीड रेट ज़्यादा देंगे, लेकिन वहीं लेट मैच्योरिंग जो भी वेराइटीज है वहाँ पे स्पेसिंग ज़्यादा होगी और सीड रेट का जो सीड रेट लोअर होगा। इन केस ऑफ अर्ली मैच्योरिंग ड्वार्फ वेराइटीज क्रॉप शुड बी सोन इन रोज 20 सेंटीमीटर अपार्ट। तो वहाँ पे बस 20 सेंटीमीटर अपार्ट ही हम क्रॉप लगाएंगे और वहाँ पे हम जो सीड रेट का एप्लीकेशन होगा 100 से 125 kg पर हेक्टेयर, लेकिन लेट सोइंग में यहीं पे हम इसका जो स्पेसिंग होगा ये 30 सेंटीमीटर इज ऑप्टिमम, और वहाँ पे एप्लीकेशन रेट जो हो सीड का होगा वो 75 से 80 kg पर हेक्टेयर होगा। तो हमें ध्यान यही देना है कि फील्ड पी के में अगर हम लगा रहे हैं तो जो अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी है वहाँ पे हमें हायर सीड रेट देना होगा क्योंकि वहाँ पे स्पेसिंग नैरो डाउन हो रही है, लेकिन वहीं पे अगर हम लेट मैच्योरिंग वेराइटी अगर लगा रहे हों तो हमें स्पेसिंग बढ़ानी होगी और सीड रेट घटानी होगी। ग्राउंड नट
दो तरह के होते हैं, बंच टाइप, स्प्रेडिंग टाइप। तो बंच टाइप के लिए जो रो टू रो स्पेस है वो 30 से 40 सेंटीमीटर है, और स्प्रेडिंग टाइप के लिए ये 45 से 60 सेंटीमीटर है। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है 15 सेंटीमीटर तक बंच टाइप में रख सकते हैं, और स्प्रेडिंग टाइप में 20 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं। सीड रेट बंच टाइप के लिए 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर हो सकता है, और स्प्रेडिंग टाइप के लिए 60 से 80 केजी पर हेक्टेयर होता है। रेप सीड या मस्टर्ड के लिए जो है सीड रेट जो मोस्ट ऑप्टिमम है वो 5 से 6 केजी पर हेक्टेयर है, और जब हम प्योर क्रॉप ले रहे हो तब। और अगर हम मिक्स्ड क्रॉप ले रहे हो मस्टर्ड का, तो फिर वहाँ पे हमें 1.5 से 2 केजी जो है पर हेक्टेयर के हिसाब से सोइंग करनी चाहिए। और स्पेसिंग बिटवीन जो है प्लांट जो है 10 से 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। स्पेसिंग बिटवीन रोज जो है वो 30 से 45 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए, ये मस्टर्ड के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट है सनफ्लावर। सनफ्लावर के लिए जो सीड रेट है वो 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर होना चाहिए, और इसमें जो स्पेसिंग है 60 सेंटीमीटर बिटवीन रोज होना चाहिए और 20 सेंटीमीटर बिटवीन प्लांट्स होना चाहिए। अनदर क्रॉप है कॉटन। कॉटन भी दो तरह के होते हैं, अमेरिकन एंड देसी। तो 15 से 25 किलोग्राम जो है सीड रेट है अमेरिकन कॉटन के लिए, और 10 से 18 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो है रिकमेंडेशन है देसी कॉटन के लिए। और वी शुड मेंटेन ए स्पेसिंग ऑफ 60 सेंटीमीटर बिटवीन 2 रोज एंड 45 सेंटीमीटर बिटवीन द प्लांट फॉर अमेरिकन कॉटन। तो अमेरिकन कॉटन के लिए हमें स्पेसिंग 60 से 45 सेंटीमीटर मेंटेन करना है, और देसी कॉटन के लिए 60 से 30 सेंटीमीटर हमें स्पेसिंग देना होगा। और जो लाइन सोइंग विथ सीड ड्रिल है ये कॉटन के लिए रिकमेंडेड है। शुगर केन का जो हम प्लांटिंग करते हैं, तो उसके लिए हम लोग वहाँ पे उसका प्लांटिंग मटेरियल जो है सेट होता है, और ये सेट जो है अपर 1/3 पोर्शन ऑफ द शुगर केन होता है, जिसमें कि बड्स होते हैं जो कि ग्रो करके नेक्स्ट ईयर का जो क्रॉप जो है वो ग्रो करता है। तो जो सीड केन है ये 10 से 12 मंथ ओल्ड जो हमारा होगा उसी को हम लोग एज सेट की तरह यूज करेंगे। तो अबाउट 35,000 से 40,000 सेट जो है जरूरत होगी फॉर प्लांटिंग इन 1 हेक्टेयर एरिया। द सेट्स ऑफ 30 से 45 सेंटीमीटर लेंथ विथ 3 बड्स आर नॉर्मली यूज। तो ऐसे सेट्स को यूज करेंगे जिसमें जिसका लेंथ 30 से 40 सेंटीमीटर कम से कम हो, और उसमें कम से कम 3 बड हो। शुगर केन इज प्लांटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 75 से 90 सेंटीमीटर। तो शुगर केन को हमको प्लांट करना चाहिए 75 से 90 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, हमें इसको प्लांट करना है। और इसको हम लोग जनरली जो है मैनुअली या फिर ट्रेंच प्लांटिंग करते हैं। अब कुछ फ्रूट्स भी हम लगा सकते हैं। तो फ्रूट्स में जो मैंगो सैपलिंग्स हैं, तो उसका जो आइडियल पिट है 0.9 × 0.9 × 0.09 मीटर स्पेसिंग, इसमें हम लोग 7 से 10 रख सकते हैं। लेकिन वही ड्वार्फ वेराइटी है, तो वहाँ पे पीट का साइज जो है हम लोग क्लोजर स्पेसिंग के साथ जो है 2.5 × 2.5 मीटर और 5.5 × 5 मीटर के साथ रिकमेंडेशन है इसका। सिट्रस का जो रिकमेंडेशन है तो 75 × 75 × 75 सेंटीमीटर का पिट में इसको जो है 5 × 5 मीटर स्पेसिंग, लाइम के लिए 6 × 6 मीटर जो है लेमन के लिए, और ग्रेप फ्रूट के लिए जो है 7 × 7 मीटर का 7 × 7 जो है स्वीट ऑरेंज के लिए ये रिकमेंडेशन है। वहीं ग्रेप्स के लिए भी रूटेड स्टेम कटिंग जो है ऑफ 20 से 30 सेंटीमीटर लेंथ का और 3 से 4 बड के साथ जो हो उसको हम लोग यूज करेंगे प्रोपागेशन के लिए। और इसमें जो पीट का साइज है वो 1 × 1 × 1 मीटर साइज का होगा, और स्पेसिंग इसमें वेराइटी टू वेराइटी वेरी करेगी। तो मस्केट वेराइटी के लिए 3 × 5 मीटर होगा, थॉमसन सीडलेस के लिए ये 5 × 5 मीटर का होगा, वहीं अनाबे शाही के लिए ये 6 × 6 मीटर का होगा। तो ये स्पेसिंग वेरी करेगा ड्यू टू वेराइटी। पपाया जो है, तो पपाया की जो मैच्योर्ड सैपलिंग्स है उसको प्लांट किया जाता है पीट्स में, पीट साइज ऑफ 45 × 45 × 45 सेंटीमीटर विथ ए स्पेसिंग ऑफ 1.8 मीटर अपार्ट। और इसमें जो है कुछ इस तरीके से इसका ये रेट है, जिससे कि 1 हेक्टेयर में 3,000 पपाया प्लांट्स जो है वो एकोमोडेट हो सके, और
इसमें इन ईच पिट 2 to 3 सीडलिंग्स पर होल एट 30 सेंटीमीटर आर प्लांटेड। तो हर होल में हम लोग 2 से 3 सीडलिंग जो है प्लांट करेंगे। ये इसलिए करेंगे कि कोई भी जो होल है वहाँ पे इन केस अगर कोई डैमेज होता हो किसी भी सैपलिंग का, तो दूसरा जो है सीडलिंग जो है वो वहाँ पे रह सके। मतलब ये बस एक तरीका है टू मेंटेन 3000 पपाया पॉपुलेशन पर हेक्टेयर। और इसमें एक चीज़ और है पपाया के कल्टीवेशन में कि 1 male tree for every 50 to 20 female trees is retained। तो जो मेल ट्री हो उस बाकियों को हटा देना है, लेकिन 15 से 20 फीमेल ट्रीज के साथ एक मेल ट्री का होना अनिवार्य है। डायरेक्ट सोन क्रॉप्स, अगर हम वेजिटेबल क्रॉप्स की बात करें तो जो हमारा मोस्ट कॉमनली डायरेक्ट सोन क्रॉप्स है तो वो है ओकरा, लवलव, फ्रेंच बीन, क्लस्टर बीन, काउपी। इसको हम लोग डायरेक्टली सो करते हैं फिर सॉइल में और फिर इसको ग्रो करते हैं। इसका स्पेसिंग जो है जनरली रीज पे होता है 30 सेंटीमीटर। लेकिन वही अमरेंथस को हम अगर ग्रो करते हैं तो फिर उसको हमको सीड को जो है ग्रो करने के लिए उसको डायरेक्टली सॉइल में ना डाल के हम उसको क्या करते हैं, उसको मिक्स करते हैं सॉइल में और फिर उसको हम लोग अप्लाई करते हैं तो उसका बेटर जर्मिनेशन होता है। स्मॉल ओनियन, मिंट और कोरिएंडर जो है वो हम प्लांटेड और सोन अलोंग द बंड्स ऑफ प्लॉट्स और एजेस ऑफ द पाथ। तो जो भी स्मॉल ओनियन, मिंट और कोरिएंडर है वो हम लोग बंड के अलोंग जो है उसको हम लोग उसकी सोइंग करते हैं। ट्रांसप्लांटेड क्रॉप्स में टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, बिग ओनियन, ये सभी जो है हम इसके लिए हम पहले नर्सरी बेड जो है तैयार करेंगे 1 month पहले। उसके बाद जो है सीडलिंग को नर्सरी से लेकर आते हैं और फिर हम उसको जो है वहाँ पे उसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। 30 डेज के बाद ट्रांसप्लांटिंग हो जाएगी, नर्सरी डेवलपमेंट के 30 डेज बाद उसकी ट्रांसप्लांटिंग होगी और फिर या फिर 42 to 45 डेज के बाद जो है ब्रिंजल, चिली, ओनियन के लिए हम लोग ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। उसके बाद और टोमेटो, ब्रिंजल, चिली का सीडलिंग जो है ट्रांसप्लांटेड अलॉन्ग वन साइड ऑफ द रीज प्रिपेयर्ड एट ए स्पेसिंग ऑफ 30 to 45 सेंटीमीटर। तो टोमेटो, ब्रिंजल, चिली के लिए जो है स्पेसिंग हमें मेंटेन करना है 30 to 45 सेंटीमीटर। और लेकिन ओनियन के लिए हमें स्पेसिंग जो है स्पेसिंग मेंटेन करना है ऑन 10 सेंटीमीटर ऑन बोथ साइड ऑफ द रेज। कुछ क्रॉप्स जो हैं ट्रेलिंग क्रॉप्स होते हैं जैसे कि एस गार्ड, पंपकिन, बॉटल गार्ड। तो ऐसे प्लांट्स के जो हैं सीड जो हैं उसको जनरली पिट में ग्रो किया जाता है और 2 से 3 सीड जो है पर पिट उसमें सोइंग की जाती है। और सीड रेट जो है कुकुम्बर के लिए 2 kg पर हेक्टेयर इनफ होता है। द सीड ऑफ वाटरमिलन के लिए 3 to 4 kg पर हेक्टेयर जो है इनफ होता है। तो ये सभी हम पीछे देख रहे थे कि कौन से क्रॉप का क्या हम कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं। और ज़्यादातर कल्टीवेशन प्रैक्टिस हमारा नॉर्मल कन्वेंशनल फार्मिंग की तरह ही है। बस कहीं कहीं अगर हम सीड ट्रीटमेंट या फिर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है वो डिफरेंस है, बाकी चीज़ें सेम है। नेक्स्ट अब है यूनिट 3 में हम लोग पढ़ेंगे वाटर मैनेजमेंट के बारे में। तो वाटर मैनेजमेंट में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हमें वाटर को अप्लाई करना चाहिए फील्ड में। तो जो स्टैंडर्ड्स है इरिगेशन वाटर का ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए उसको मेंटेन करना चाहिए। किसी भी तरीके का ऐसा कंटामिनेंट वाटर में ना हो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में बैंड हो और उसको हम अप्लाई कर रहे हो, तो ऐसे वाटर को हमको इस्तेमाल नहीं करना है। तो जनरली जो हमारा कंटामिनेशन होता है, कंटामिनेंट्स होता है वाटर में, या तो वो किसी भी तरह के का जो हैवी मेटल्स है या फिर कोई पेस्टिसाइड हो सकता है या फिर कोई बैंड जो भी एग्रोकेमिकल है जो कि इनऑर्गेनिक फॉर्म में है वो हो सकता है। तो इन सभी से फ्री इरिगेशन वाटर को ही हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ करेंगे फॉर इरिगेशन पर्पस। अब है कि इरिगेशन कब दिया जाए। तो नॉर्मल कंडीशन में भी जब हम इरिगेशन देते हैं तो वही प्रिंसिपल यहाँ भी अप्लाई होंगे। व्हेन अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर इज रिड्यूस्ड टू ए पॉइंट एट विच द सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन प्लांट ग्रोथ रेट अकर्स,
द क्रॉप शुड बी इरीगेटेड। तो जब भी लगे कि सॉइल में मॉइस्चर कम है और उसके कारण प्लांट का ग्रोथ सफर कर रहा है, तो वहाँ पे इरिगेशन देना चाहिए। तो जनरली फार्मर कुछ फीचर्स को डिटेक्ट करता है और उसके हिसाब से वो इरिगेशन देता है, जिसमें से कुछ है जैसे कि प्लांट अपियरेंस। अगर प्लांट में विल्टिंग आने लगेगी तो इसका मतलब है कि वहाँ पे मॉइस्चर कम है, वहाँ पे इरिगेशन की ज़रूरत है। स्टेज ऑफ क्रॉप ग्रोथ, कुछ कहीं किसी किसी क्रॉप में इस एक पर्टिकुलर स्टेज पे इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो उस स्टेज पे इरिगेशन देना चाहिए। सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से इरिगेशन देना चाहिए, जैसे कि कोई अगर सैंडी सॉइल है तो वहाँ पे फ्रिक्वेंट इरिगेशन की ज़रूरत होगी, इन कंपेरिजन टू जहाँ पे क्लेई सॉइल या सैंडी क्ले सॉइल हो तो वहाँ पे थोड़ा सा कम इरिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन सैंडी सॉइल में इरिगेशन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। अब सॉइल मॉइस्चर कंटेंट, जिस सॉइल में जितना ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन करने की क्षमता होगी उसके हिसाब से हम मॉइस्चर वहाँ पे इरिगेशन देंगे। क्लाइमेटिक फैक्टर के हिसाब से अगर हमारा इरिगेटेड कंडीशन है तो फिर हम वहाँ पे इरिगेशन देंगे, लेकिन रेनफेड कंडीशन अगर कहीं है तो वहाँ पे हमें, चूँकि इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे हमें कम्प्लीटली डिपेंडेंट होगा रहना होगा रेनफॉल के लिए। तो कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे क्रॉप्स को हम लोग मानसून के साथ ही ग्रो करें। नेक्स्ट है द पीरियड बिटवीन टू इरिगेशन इज डिटरमाइंड बाय। अब दो इरिगेशन के बीच का पीरियड को कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के हिसाब से। किसी किसी सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो फिर हम वहाँ पे इरिगेशन का जो ड्यूरेशन है उसको हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अगर कम है तो ऐसे कंडीशन में हम जो है इरिगेशन की फैसिलिटी इरिगेशन हमको फ्रिक्वेंट देना पड़ेगा। डेप्थ ऑफ द रूटिंग ऑफ द क्रॉप, अगर कोई क्रॉप ज़्यादा डेप्थ तक जा रहा है तो उसको ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी, इन कंपेरिजन टू जो शैलो डेप्थ का होगा उसको कम इरिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी। द क्वालिटी ऑफ द इरिगेशन वाटर, अगर हमारा वाटर का क्वालिटी अच्छा है तो फिर हमारे दो इरिगेशन के बीच का जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर वाटर क्वालिटी अगर ठीक नहीं है तो हमको फ्रिक्वेंट इरिगेशन देना पड़ेगा। और नेक्स्ट है इवोपो ट्रांसपरेशन, अगर सॉयल से ज़्यादा इवोपो ट्रांसपरेशन होता रहेगा तो हमें फ्रिक्वेंटली इरिगेशन बहुत कम टाइम इंटरवल पे ही देना होगा। तो ये डिपेंड करता है कि इन फैक्टर्स पे कि दो इरिगेशन के बीच में हम कितना दिन का ड्यूरेशन रखें। द शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन इंक्लूड्स हाउ टू इरिगेट, हाउ मच टू इरिगेट एंड व्हेन टू इरिगेट। तो इरिगेशन का शेड्यूल हम इस हिसाब से करते हैं कि हमको इरिगेशन के लिए कैसे करना है, फैसिलिटी कैसे हमें उपलब्ध है और कितना करना है और कब करना है, तो ये सब फैक्टर्स के हिसाब से हम इरिगेशन को शेड्यूल करते हैं। अब कुछ मेथड्स हैं इरिगेशन के, तो एक मेथड है हमारा सरफेस इरिगेशन मेथड जो कि मोस्ट पॉपुलर मेथड है। तो सरफेस इरिगेशन मेथड में भी डिफरेंट मेथड्स हैं जैसे कि अनकंट्रोल्ड और वाइल्ड फ्लडिंग। तो इसमें हम लोग वाटर जो है फ्लैट लैंड पे अप्लाई करते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ बंड प्रिपरेशन और प्रिपरेशन एनी काइंड ऑफ प्रिपरेशन, और इसको हम लोग इनअंडेशन इरिगेशन सिस्टम भी बोलते हैं। और इसमें हम लोग जो है ये कम्प्लीटली ऐसे एरिया में हम लोग करते हैं जहाँ पे बहुत ही वाटर हो और वाटर का जो इरिगेशन वाटर का जो खर्चा है वो इनएक्सपेंसिव हो, मतलब उसका खर्च बहुत ही कम हो, क्योंकि यहाँ पे वाटर का जो है वेस्टेज ज़्यादा होता है। तो ये फॉल्टी मेथड है और इसको डिस्करेज करना चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ करने के लिए। अनदर मेथड है कंट्रोल्ड फार्मिंग, कंट्रोल्ड फ्लडिंग। कंट्रोल फ्लडिंग में हम लोग क्या करते हैं, वाटर वाटर को अलाउ करते हैं एक एरिया पे स्प्रेड डाउन होने के लिए, और उसको जो है हम लोग कलेक्ट करते हैं डिफरेंट बाय फॉर्मिंग बंड्स। तो यहाँ पे हम बंड्स बना लेते हैं जिसके कारण से वाटर जो है एक प्लॉट में आके जमा हो जाता है और वो जो है वहाँ एकुमुलेट हो जाता है, एक पर्टिकुलर डेप्थ ऑफ वाटर एकुमुलेट हो जाता है। तो इस तरीके का जो है कंट्रोल फ्लडिंग हम लोग कर सकते हैं बाय फ्री फ्लडिंग, कंट्रोल लेटरल बॉर्डर स्ट्रिप्स और चेक और लेवीज का फॉर्मेशन करके। तो इस तरीके के इरिगेशन को हम लोग कहते हैं इरिगेशन इन प्लॉट्स, क्योंकि ये सारे जो हैं बंड्स के फॉर्मेशन के कारण जो है सभी डिफरेंट प्लॉट्स में वाटर जो है एक पर्टिकुलर डेप्थ पे आके एकुमुलेट हो जाएगा। अनदर मेथड ऑफ सरफेस इरिगेशन इज कंटूर लेटरल, दिस मेथड इज यूजफुल इन स्टीपर ट्रेन। तो जहाँ भी ट्रेन स्टीपर होगा वहाँ पे हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। द फील्ड इज कट इन टू रिलेटिवली डेंस्ड
नेटवर्क ऑफ स्मॉल कंटूर लेटरल्स। तो इसमें होता क्या है कि एक नेटवर्क ऑफ स्मॉल कंटूर लेटरल्स बनाए जाते हैं मेन चैनल से को फर्दर डिवाइड करते करते, जो है उसको डिफरेंट स्मॉल कंटूर लेटरल्स बनाए जाते हैं और वो लेटरल का फॉर्मेशन जो है स्लोप के स्लोप ग्रेडियंट के हिसाब से किया जाता है, जिससे कि यूनिफॉर्मली जो है वाटर का जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। अनदर मेथड ऑफ सरफेस इरिगेशन इज बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। इन दिस मेथड द फार्म इज डिवाइडेड इनटू सीरीज ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ 10 टू 20 मीटर विड्थ एंड 100 टू 300 मीटर लेंथ। तो 10 से 20 सेंटीमीटर मीटर विड्थ और 100 टू 300 मीटर लेंथ का स्ट्रिप्स बनाए जाते हैं और दीज स्ट्रिप्स आर सेपरेटेड बाय लो लेवीज बंड्स और रन डाउन विथ प्रोडोमिनेंट स्लोप। तो बीच में बंड का फॉर्मेशन किया जाता है और द लेवल्ड सरफेस फैसिलिटेट द एडवांसिंग ऑफ वाटर टू कवर द इंटायर स्ट्रिप। तो इसमें इस तरीके से बंड का फॉर्मेशन किया जाता है कि ये पूरा उस पूरे एरिया में जो भी उस पार्टिकुलर स्ट्रिप है उसमें वो पूरा वाटर जो है उसमें उसमें वेल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसके कुछ एडवांटेज हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट कम है, कम लेबर के खर्चा है और इरिगेशन इफिशेंसीज की ज़्यादा है। जनरली इस टाइप का मेथड हम लोग फॉरेस्ट क्रॉप के लिए करते हैं। तो अगर सैंडी लोम सॉइल है तो वहाँ पे लेंथ ऑफ बॉर्डर स्ट्रिप 60 टू 90 मीटर होगा। मीडियम सिल्ट लोम है तो 90 टू 150 मीटर होगा। क्ले लोम या क्ले सॉइल है तो 150 टू 300 मीटर का जो है बॉर्डर स्ट्रिप जो है बनाया जा सकता है। एक और मेथड है सरफेस इरिगेशन का, चेक फ्लडिंग। चेक फ्लडिंग में हम लोग लार्ज स्ट्रीम जो है डिस्चार्ज होता है, वाटर डिस्चार्ज होता है इनटू लेवल्ड प्लॉट सराउंडेड बाय चेक्स और लेवीज। तो इसमें जो है वाटर डिस्चार्ज हो रहा है फ्रॉम जो भी लार्ज स्ट्रीम होगा उससे वाटर डिस्चार्ज होगा एक ऐसे एरिया में जहाँ पे चारों तरफ से चेक्स या लेवीज बने हुए हों। और ये जो लेवी है इसका साइज होगा 2 टू 3 मीटर विड्थ होगा और इसमें जो है इसका हाइट जो है 25 टू 30 सेंटीमीटर होगा। और इस तरीके का जो लेवल फार्म होगा ये जनरली रेक्टेंगुलर शेप का होता है और ये सुटेबल होता है फॉर बोथ परमेबल एंड इनपरमेबल सॉइल के लिए। तो ये दोनों टाइप के सॉइल के लिए ये सुटेबल होता है। अनदर मेथड इज बेसिन फ्लडिंग। बेसिन फ्लडिंग में जो है को जनरली हम लोग यूज करते हैं ट्रीज के लिए। जिगजैग मेथड में हम लोग जो वाटर इरिगेशन जो इरिगेशन वाटर है उसका जो मूवमेंट होता है वो सर्केटियस मूवमेंट होता है और जिगजैग मैनर में होता है जिससे कि वो पूरा फील्ड में वो इरिगेट हो जाता है इसके कारण। और फरो मेथड में हम लोग यूज़ करते हैं जनरली मेज ज्वार सोरघम सॉरी शुगर केन कॉटन टोबैको ग्राउंडनट पोटैटो के लिए। और इसमें हम लोग क्या करते हैं रिज फरो बनाते हैं और इसमें जो है ओनली हाफ टू वन फिफ्थ ऑफ द सर्फेस जो है वो वेट होता है और इसके कारण से जो है एवोपरेशन लॉस जो है कम होता है। और इसमें जो फरो है उसका फरो का साइज जो है वो वेरी करता है लेकिन जनरली ये 3 मीटर या उससे कम हो सकता है गार्डन क्रॉप के लिए और फील्ड क्रॉप के लिए ये 500 मीटर तक का हो सकता है। सब सरफेस इरिगेशन जो होता है उसमें हम लोग वाटर अप्लाई करते हैं डायरेक्टली टू द रूट जोन ऑफ द प्लांट। वाटर इज सप्लाइड टू ए सीरीज ऑफ डिचेज और हाफ टू 1 मीटर डीप एंड 20 टू 50 सेंटीमीटर वाइड विथ वर्टिकल स्लाइड्स। तो इस टाइप का इरिगेशन में जनरली हम लोग वाटर अप्लाई करते हैं इन सब सॉइल रीजन और सब सॉइल रीजन में अप्लाई करने से ये रीजन जो है सुटेबल फॉर इम्परवियस सब सॉइल फॉर रीजनेबल डेप्थ। तो ऐसे रीजन में ये इसका यूज होता है सब सॉइल इरीगेशन का, सब सरफेस इरीगेशन का, जिसमें अपर जो सरफेस है वहाँ पे किसी तरीके का इम्परवियस लेयर बना हुआ है या फिर वहाँ वाटर टेबल बहुत ही ज़्यादा हाई है। और तो ऐसे कंडीशन में हम लोग जो है सब सरफेस इरीगेशन का यूज कर सकते हैं। और इसमें जनरली एक डिसएडवांटेज है कि साल्ट एक्युमुलेशन और वाटर लॉगिंग की समस्या हो सकती है। तो इसको हमको प्रिकॉशन की तरह लेना चाहिए कि साल्ट एक्युमुलेशन और वाटर लॉगिंग के लिए जो भी मेजर्स हों उसको अपनाए जाने चाहिए।
इकोनॉमिकल यूज ऑफ वाटर एंड लो लेबर कॉस्ट जो है इसका जो है मेन फीचर है जिसके कारण से इसको यूज किया जाता है। अनदर मेथड इज प्रेशराइज्ड इरिगेशन सिस्टम। तो प्रेशराइज्ड इरिगेशन सिस्टम में हमारा दो सिस्टम है, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम जो है हम उसमें वाटर या फिर न्यूट्रिएंट्स जो कि सोल्यूबल न्यूट्रिएंट होंगे उसको अप्लाई करते हैं विद द यूज ऑफ नोजल। नोजल का यूज करने से उसका जो है डिफरेंट वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वाटर पूरे फील्ड में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है इन स्प्रिंकलर इरिगेशन। लेकिन ड्रिप इरिगेशन में इसको हम लोग ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं और इसको फर्स्ट टाइम इजराइल में जो है इसको डिस्कवर किया गया था। एक मिनट में आपको बाइबल तो ये ड्रिप इरिगेशन मेथड जो है इसमें हम लोग इसमें वाटर जो अप्लाई करते हैं डायरेक्टली रूट जोन में अप्लाई करते हैं। और इस तरीके से वाटर को अप्लाई करने से होता ये है कि 75% तक जो वाटर का लॉस है हम उसको कम कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ड्रिप इरिगेशन मेथड। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर। तो सॉइल में वाटर की अवेलेबिलिटी के लिए कुछ कंसेप्ट है, तो उसमें कुछ पैरामीटर्स के बारे में हम अभी देखेंगे। तो जैसा फर्स्ट है सेचुरेशन कैपेसिटी। तो किसी भी सॉइल का जो मैक्सिमम कैपेसिटी वाटर स्टोर करने का होता है दैट इज कॉल्ड एज सेचुरेशन कैपेसिटी। और इसको दूसरे टर्म में अगर बात करें तो अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल द ऑल पोर स्पेस, मतलब सभी पोर स्पेस जो सॉइल पार्टिकल में अवेलेबल हो वो फिल हो जाए, इतना मॉइस्चर को हम लोग बोलेंगे सेचुरेशन कैपेसिटी। अनदर टर्म इज फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी होता है मॉइस्चर कंटेंट सॉइल में, इतना मॉइस्चर कंटेंट होना जिसके बाद से उसका ग्रेविटेशनल वाटर उसके बाद उसमें नहीं डाउनवर्ड नहीं होता है। द फील्ड कैपेसिटी रेफर्स टू द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल आफ्टर फ्री फ्लो वाटर हैज मूव ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ऐसा मॉइस्चर कंडीशन सॉइल का जिसमें सॉइल से किसी भी तरीके का वाटर का जो है मूवमेंट डाउनवर्ड ना हो। और ये जनरली 24 आवर्स के बाद देखा जाता है सॉइल में कि सॉइल में एक स्टेज ऐसा आता है जिसमें कि किसी भी तरीके का ग्रेविटेशनल वाटर का मूवमेंट डाउनवर्ड नहीं होता है। और इसका जो फील्ड में जो इसका एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है वो -1/3 या जो -0.33 एटमोस्फेयर के बराबर होता है इसका प्रेशर। कुछ एक कंसेप्ट और है रेडियली अवेलेबल मॉइस्चर। तो रेडियली अवेलेबल मॉइस्चर ऐसा मॉइस्चर है जो प्लांट के लिए तुरंत अवेलेबल हो। और ये 75% टोटल मॉइस्चर का जो पोर्शन होता है इसको हम लोग जनरली ये रेडियली अवेलेबल मॉइस्चर होता है। एक कंसेप्ट होता है अवेलेबल मॉइस्चर। तो अवेलेबल मॉइस्चर जो होता है वो मॉइस्चर रेंज होता है बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो इन दोनों के बीच के जो मॉइस्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं अवेलेबल मॉइस्चर। टेम्पररी विल्टिंग और परमानेंट विल्टिंग दो कंसेप्ट है। तो जिसमें कि टेम्पररी विल्टिंग जो है जनरली हम लोग देखते हैं जो हॉट विंडी डेज होता है उसमें पाया जाता है। उसमें क्या होता है कि एक शॉर्ट टाइम के लिए जो प्लांट का लीफ है वो विल्टिंग आ जाती है उसमें, लेकिन वो कूलर जैसे ही वो शाम होती है या रात होती है वो अपने आप जो है अपने आप को फिर से मेंटेन कर लेता है और वहाँ पे किसी भी तरीके का बिना वाटर अप्लाई किए वो जो है विल्टिंग अपने आप खत्म हो जाती है। ऐसे विल्टिंग को हम लोग बोलते हैं टेम्पररी विल्टिंग। लेकिन एक आता है परमानेंट विल्टिंग। परमानेंट विल्टिंग कब आती है? तो जब सॉइल में वाटर एकदम कम हो जाए, बहुत ही एकदम लास्ट स्टेज पे होता है लोअर एंड ऑफ द सॉइल मॉइस्चर रेंज। तो ऐसे कंडीशन में होता है कि सॉइल में वाटर नहीं है तो प्लांट विल्टिंग करने लगता है, और अगर उसको समय पर वाटर नहीं मिलता है तो वो परमानेंट विल्टिंग स्टेज पर चला जाता है। और इस स्टेज के जाने के बाद अगर उसको वाटर भी दिया जाता है तो फिर वहाँ पे उसको वहाँ से वो वापस जो है वो रिगेन नहीं होता है, मतलब ये जो है टर्गिडिटी जो है इसकी वापस मेंटेन नहीं होती है। कुछ क्रिटिकल स्टेज हैं क्रॉप डेवलपमेंट के लिए इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीट के लिए जो है इरिगेशन देना चाहिए अर्ली ग्रोथ, बूटिंग, फ्लावरिंग एंड ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज पे। बार्ली के लिए अर्ली बूटिंग,
टिलरिंग एंड सॉफ्ट डाउ स्टेज पे ओट रिक्वायर इरिगेशन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ईयर इमरजेंस टू फ्लावरिंग। तो ओट को शुरू से लेकर अंत तक जो है उसको वाटर चाहिए। मेज फ्लावरिंग एंड अर्ली सीड डेवलपमेंट ग्रेन फिलिंग पीरियड के लिए। वहीं लेग्यूम्स के लिए भी कुछ क्रिटिकल स्टेज हैं इरिगेशन के लिए। तो पीज एंड बीन्स के लिए फ्लावरिंग एंड सीड पॉड फॉर्मेशन स्टेज है इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट। ऑयल सीड क्रॉप्स लाइक ग्राउंड नट एंड सनफ्लावर के लिए फ्लावरिंग एंड पॉड सेटिंग या हेड फॉर्मेशन जो है ये स्टेज जो है इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे इरिगेशन देना चाहिए। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट क्रॉप्स के लिए में अगर हम जाएँ तो टोमेटो के लिए फ्लावरिंग पीरियड ऑफ रैपिड फ्रूट डेवलपमेंट ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है स्टेज है। ब्रोकली एंड कैबेज के लिए हेड फॉर्मेशन एंड इनलार्जमेंट यहाँ पे क्रिटिकल है ये इरिगेशन के लिए। सिट्रस एंड मैंगो में फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग जो है ये इम्पोर्टेंट स्टेज है, यहाँ पे जो है इरिगेशन देना चाहिए। एक कंसेप्ट नेक्स्ट कंसेप्ट है वाटर हार्वेस्टिंग। तो वाटर हार्वेस्टिंग में जो है हम लोग क्या करते हैं, तो जो रेन वाटर है उसको कलेक्ट करते हैं आइदर फ्रॉम रूफ और फ्रॉम जो भी हमारा लैंड जो भी हमारा फील्ड है वहाँ भी हम लोग स्टोर करते हैं। और उसको स्टोर करके हम लोग कहीं किसी या तो टैंक में स्टोर करते हैं या फिर कहीं पे पॉन्ड्स में हम लोग उसको स्टोर करते हैं और फिर जब फ्यूचर में उसकी ज़रूरत होती है तो उसका यूज़ करते हैं फॉर इरिगेशन पर्पस। तो वाटर हार्वेस्टिंग से फ़ायदा यह है कि ग्राउंड वाटर टेबल का रिचार्जिंग होता है और ग्राउंड वाटर की क्वालिटी जो है इम्प्रूव होती है क्योंकि उसमें के जो डिफरेंट पोल्यूटेंट हैं वो सभी फिल्ट्रेट हो जाते हैं सॉइल में जाने के बाद। और जनरली वाटर हार्वेस्टिंग मोस्ट प्रैक्टिस्ड है एरिड सेमी एरिड रीजन में और पार्टिकुलरली राजस्थान में जो रिजर्वायर डेवलप होता है जहाँ पे वाटर स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं खदीन। और जो डैम्स होता है उसको बोलते हैं जोहाट्स। और सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न जो है वो उत्तर प्रदेश में जल तराई रीजन में जल तराई के रूप में है। हवेली सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश में है। आहार जो है बिहार में है और कन्वई जो है वो तमिलनाडु में है। ये सभी एग्जाम्पल हैं वाटर हार्वेस्टिंग के। अब यूनिट 4 में है कंटामिनेशन कंट्रोल का। तो कंटामिनेशन कंट्रोल का डिफरेंट मेजर है जिसमें कि कंटामिनेशन जनरली जो सॉइल में होता है जो हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग में होगा वो या तो किसी एग्रीकेमिकल का होगा पेस्टिसाइड का होगा या फिर अननोइंगली कि कोई अगर हम बाहर से कोई दूसरे फार्म से कोई अगर हम इंस्ट्रूमेंट या इम्प्लीमेंट लेके आते हैं तो वहाँ पे उसके थ्रू उसके वहाँ होगा या फिर कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या सीड जो है हम गलती से भी अगर हम उसमें अप्लाई कर दें तो उस कारण से वहाँ पे रिस्क ऑफ कंटामिनेशन होगा। तो ये सभी कंटामिनेशन के सोर्सेज हैं। सॉयल कंटामिनेशन का जो मोस्ट पॉपुलर सोर्स है वो है हमारा फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। और फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स को हम लोग किसी भी फॉर्म में हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग में अप्लाई नहीं करना है। तो हमें ध्यान देने की बात यही है कि हमें इन चीज़ों का अगर हम कहीं दिखता है कि अगर इसका अप्लाई हो रहा है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये बैंड है तो अगर हम करेंगे तो फिर हमको जो सर्टिफिकेशन है वो नहीं मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में हमको इन सभी कंटामिनेंट्स को अगर हो रहा है तो उसको डिटेक्ट करके उसको जल्द से जल्द दूर कर लेना चाहिए, अदरवाइज हमें सर्टिफिकेशन में दिक्कत होगी। वाटर कंटामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो वाटर कंटामिनेशन जो है वो हो सकता है सरफेस वाटर में भी ग्राउंड वाटर में भी। और सरफेस वाटर में ज़्यादा होता है कंटामिनेशन इन कंपेरिजन टू ग्राउंड वाटर। और सरफेस वाटर का जो कंटामिनेशन है उसको हम इजीली दूर कर सकते हैं इन कंपेरिजन टू ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर का थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि ये ग्राउंड वाटर जो है ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है थ्रू एक्वीफर्स और ऐसे कंडीशन में हम इसको जो है कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन वहीं क्ले सॉइल विथ नॉन पोरस एक्वीफर्स द कंटामिनेंट्स लाइक बैक्टीरिया में भी इजिली रिमूव्ड। तो जो क्ले सॉइल है वहाँ पे वो फिल्ट्रेशन का काम करेगा और जो भी बैक्टीरिया एज कंटामिनेंट होगा उसको रिमूव करेगा। और इसके अलावा जो कंटामिनेशन होता है वो सॉइल के क्रैक्स के थ्रू भी होता है। तो
इन जहाँ पे क्रैकिंग जिस सॉइल में हो वहाँ पे भी ये एक समस्या है कि कंटामिनेशन होने के चांसेस इस क्रैक्स के थ्रू होते हैं। अब गाइडलाइंस ऑन कंटामिनेशन कंट्रोल, तो जो भी हमारा नेशनल ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है वो कहता है कि हर तरीके का कंटामिनेशन जो बाहर से हो रहा है ऑर्गेनिक फार्म में नहीं होना चाहिए, उसको रोक लेना चाहिए। तो इसके लिए जो है जहाँ से भी कंटामिनेशन का सोर्स हो उसको जो है जल्द से जल्द दूर कर लेना चाहिए। जो फार्म पॉन्ड है या वेल है तो जिसको कि हम यूज करेंगे इरिगेशन पर्पस के लिए, तो उसको हमको क्या करना है अच्छे से प्रोटेक्ट करना है। उसके चारों तरफ अगर बॉन्डिंग कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि बाहर से कोई भी रन ऑफ वाटर में आकर उसमें कंटामिनेशन क्रिएट ना करें। और अगर किसी भी तरीके का पेस्टिसाइड का अगर लीक है हमारे ऑर्गेनिक फार्म में तो उसको जो है जल्द से जल्द उस एरिया को अदर एरिया के से उसको हमको अलग कर लेना चाहिए, और वहाँ पे जो भी कंटामिनेंट्स हैं उसको रिमूव कर लेना चाहिए, और एक बैरियर प्रिपेयर करना चाहिए जो भी सॉडस्ट न्यूज़पेपर एक्टिवेटेड चारकोल वर्मी कल्चर के साथ, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी वो पेस्टिसाइड जो है वो उसमें सोख हो जाए और उस एरिया से उस जो पेस्टिसाइड है उसको हम रिमूव कर सकें। अब हमारे लाइव अभी तक हम एग्रीकल्चर देख रहे थे, अब लाइव स्टॉक में हम कैसे कैसे मैनेजमेंट करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग में, इसके बारे में हम देख सकते हैं। तो ये बात बार बार आ रही है कि जो ऑर्गेनिक फार्म है उसमें डिफरेंट इंटरप्राइज हैं जिसमें से हमारा देख सकते हैं, तो क्रॉप फार्मिंग और एनिमल फार्मिंग हमको दिख रहा है। तो जिसमें हम बार बार ये बात पहले भी बता चुके हैं कि किसी एक इंटरप्राइज का वेस्ट प्रोडक्ट अगर दूसरे किसी इंटरप्राइज के लिए अगर इनपुट का काम करता है तो ऐसा सिस्टम जो है वो लंबे समय तक सस्टेन करेगा। तो ये हमारे ऑर्गेनिक फार्म में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एनिमल हस्बेंड्री का जो वेस्ट प्रोडक्ट है फार्म ओन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो है वो हम क्रॉप उसका यूज़ कर सकते हैं क्रॉप ग्रोइंग के लिए, और जो क्रॉप ग्रो करेगा या फिर जो उसका स्ट्रॉ फोडर ग्रो करेगा उसको हम यूज़ कर सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री में। तो ये एक तरह से जो है इनके इन दोनों के बीच का जो है इंटरडिपेंडेंस रहता है, जिसके कारण से सस्टेनेबिलिटी जो है ऑर्गेनिक फार्म की इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है लाइव स्टॉक हाउसिंग। तो जो लाइव स्टॉक होते हैं ऑर्गेनिक फार्म के उनका कैसा हाउस होना चाहिए, तो वो ओपन होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड होना चाहिए और इजीली एसेसेबल होना चाहिए। विंड ब्रेक्स लगे होने चाहिए जिससे कि ज़्यादा जो है हवा की स्पीड ना हो वहाँ, और जो क्विकली ग्रोइंग ट्रीज हैं उसको उसकी प्लांटिंग होनी चाहिए इसके इसी के लिए, और थोड़ा सा जो फ्लोर हो वो मॉडरेटली जो थोड़ा सा स्लोपी हो, जिससे कि एनिमल का जो भी फीड जो या डंग जो भी होगा उसका जो है ड्रेनेज करना आसान हो। तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वहाँ थोड़ा सा स्लोपी लैंड होना चाहिए। पोल्ट्री हाउस के लिए सिमिलरली जो है एडेक्वेट स्पेस होना चाहिए बर्ड के लिए, और लाइट बर्ड अगर कोई है तो उसके लिए 0.2 मीटर स्क्वायर फ्लोर एरिया होना चाहिए पर एडल्ट, लेकिन अगर कोई हेवी ब्रीड का कोई अगर बर्ड है तो 0.3 टू 0.4 मीटर स्क्वायर पर बर्ड होना चाहिए। और ये जो है पोल्ट्री हाउस ये वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, इसके कूल ऐसा होना चाहिए कि जो ठंडी के दिनों में गर्म रह सके और गर्मी के दिनों में ठंडी रह सके। और इसके जनरली जो हमारे चिक्स हैं उसके लिए उसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है 12 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। तो टेम्परेचर का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि इससे ज़्यादा कम का टेम्परेचर वहाँ ना हो, और कोशिश करनी चाहिए कि मलबेरी या फिर कोई अदर जो सेट ट्री है वो प्लांट करना चाहिए पोल्ट्री हाउस के आसपास, सो दैट कि वहाँ पे ठंडा रहे। लाइव स्टॉक हाइजीन की बात करें तो फिर वहाँ पे हमको जो है गुड हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करके रखना है। क्लीननेस इम्पॉर्टेंट है एनिमल के लिए, क्योंकि किसी भी काइंड ऑफ डिजीज होगा तो उससे जो हमारा फार्म है उसका रेवेन्यू कम होगा, तो क्लीननेस बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए जो है सनलाइट जो है पावरफुल डिसइंफेक्टेंट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट अगर आएगा तो वहाँ पे जो भी हाइजेनिक कंडीशन है वो अपने आप बेटर होंगी। और इसके लिए कैटल को जो है रेगुलरली जो है उनको
वॉश करते रहना चाहिए, उनकी ग्रूमिंग होती रहनी चाहिए 1 से 2 वीक में 1 से 2 बार, और जो भी सकलिंग काफ्स हैं उनको रेगुलरली बात करने की ज़रूरत नहीं है, बट उनकी जो है ब्रशिंग ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट चीज लाइव स्टॉक न्यूट्रिशन की बात अगर हम करें, तो लाइव स्टॉक न्यूट्रिशन में हमको कोशिश करना चाहिए कि जो भी कंसंट्रेट और रफेज का जो भी रेगुलर डिमांड है उसको हम प्रोवाइड करते रहें, और जनरली जो भी हमारा सीरियल, जो भी हमारा स्टार्च रिच है, या फिर जो भी हमारा जो भी हमारे लाइफ स्टॉक के लिए जो भी हमारे प्रोटीन के सोर्सेज हैं उसको हमको, हम लोग को रेगुलरली उसमें देते रहना चाहिए। तो उसके लिए आगे राशन है, तो कैसे उसका राशन प्रिपेयर करते हैं, तो एडल्ट कैटल के लिए जो है जनरली 2 to 2.5 kg जो है ड्राई मैटर पर 100 ग्राम जो है पर 100 kg वेट वाले कैटल के लिए जरूरी है। मिल्च स्टॉक के लिए थोड़ा सा ज़्यादा फीड हम दे सकते हैं। तो ये जो चार्ट है ये शो कर रहा है कि किस स्टेज के कैटल को हमको कितना ग्रीन फॉडर देना चाहिए, कितना ड्राई फॉडर देना चाहिए और कितना कंसंट्रेट हमको देना चाहिए। जो नेशनल नॉर्म है उसके हिसाब से हमको जो है एनिमल्स के लिए जो है जो भी लाइव स्टॉक के मैनेजमेंट है उसको हमको प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए, और उसके कुछ नॉर्म्स हैं जैसे कि पोल्ट्री और रेबिट को केज में नहीं रखना है, और एनिमल प्रोडक्ट शुड बी सर्टिफाइड एज ऑर्गेनिक आफ्टर 12 मंथ्स ऑफ द कन्वर्सन पीरियड, और एनिमल शुड बी गिवन सफिशियंट फ्री मूवमेंट। तो ये सभी बात हम डिस्कस कर ही चुके हैं पीछे। तो इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और हैं कि जो भी ऑल एनिमल्स शुड बी ब्रॉट इन द ऑर्गेनिक होल्डिंग, ब्रीड्स शुड बी अडेप्टिव टू लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन। तो जो भी लोकल ब्रीड्स हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। रिप्रोडक्शन टेक्निक जो है नॉर्मल रहेगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अलाउड है, एम्ब्रायो ट्रांसफर इज नॉट अलाउड, हार्मोनल हीट ट्रीटमेंट एंड इंड्यूस्ड बर्थ आर नॉट अलाउड, द लाइव स्टॉक शुड बी फेड बाई 100% ऑर्गेनिकली ग्रोन फ्रूट से स्टफ्स। तो जो भी ऑर्गेनिकली फूड जो भी ग्रोन किया गया है उसी को फिट करना है। इसके अलावा किसी भी तरह के ग्रोथ स्टिमुलेंट्स को यूज नहीं करना है, और किसी भी तरह की फॉडर प्रिजर्वेटिव को जो है इस्तेमाल नहीं करना है। तो इंटरनेशनल नॉर्म्स भी यही कहता है कि इंटरनेशनल नॉर्म में अगर बात करें तो यूरोपियन यूनियन और IFM अलाउ करता है 10% तक नॉन ऑर्गेनिक फीड जो है फॉर हर्बीवोर्स एंड रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% फॉर अदर स्पीसीज। तो मतलब थोड़ा सा रिलैक्सेशन यूरोपियन यूनियन और IFM के द्वारा है, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज के अलग अलग नॉर्म्स हैं तो उनको पालन करना चाहिए। इंडिया में जो नॉर्म्स थे वो ऊपर मैंने डिस्कस किया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो लाइव स्टॉक फार्मिंग में जो भी किसी भी तरह का जो प्रिजर्वेटिव नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ये सभी बैंड हैं। और अब नेक्स्ट है फार्म इम्प्लीमेंट्स। तो कुछ फार्म इम्प्लीमेंट्स हम यूज करते हैं जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में या नॉर्मल फार्मिंग में, तो बस वही फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स हैं। जैसे प्लॉइंग में हम लोग इंडिजीनियस वुडन प्लाव, मोल्ड बोल्ड प्लाव, चिजल प्लाव, या फिर हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड ड्रिल, रोलर, लेवलर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें एक ध्यान देने की बात है कि अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में अगर हम इनका यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि ये सभी जो हैं केवल उसी ऑर्गेनिक फार्म में यूज हो। अगर हम बाहर से किसी भी फार्म इम्प्लीमेंट को लेकर आ रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में हमको उनको अच्छे से साफ करके ही यूज करना चाहिए, जिससे कि किसी भी तरह का कंटामिनेशन नहीं हो। तो यहाँ पे आकर हमारा ये आज का टॉपिक